हेलो, आई एम धनंजय सिंह धनदास एंड टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इट मीन्स टू चेंज अ काइंड ऑफ सेंटेंस इनटू अदर विदाउट चेंजिंग इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बिना उसके भाव बदले बदलना क्या कहलाता है? ट्रांसफॉर्मेशन. इट मीन्स रूपांतरण क्या कहलाता है? सब टॉपिक इज इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. हम सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स से सिंपल सेंटेंस में कैसे क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज. इसके पहले नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज का डिस्क्रिप्शन पहले दिया जा चुका है. अब हम चलते हैं एडवर्ब क्लॉज सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, ऑन एंटरिंग द रूम आई सॉ अ स्नेक. कमरे में प्रवेश करते ही मैं एक सांप देखा. यह देखिए ऑन क्या है, यह प्रीपोजिशन का यूज है. इसके साथ यहाँ पे आएंगे क्या है, पार्टिसिपल का यूज है. तो सबसे पहले तो हम सिंपल के जो प्रीपोजिशन एंड क्या है, पार्टिसिपल का यूज है, इसको हटाते हैं. और जब भी सिंपल में क्या होता है, पार्टिसिपल आता है, तो वह कॉम्प्लेक्स में टाइम के अंतर्गत बनाया जाता है. तो टाइम अर्थात टाइम के लिए यहाँ पे हम कंजक्शन यूज करते हैं, क्या है, वैन. ये कंजक्शन यूज हो जाएगा वैन वैन. और उसके साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है यहाँ देंगे वेन आई. ओके, इतना हम लिखने के बाद क्या करते हैं, आईनी फॉर्म हटा दिए और यहाँ पे इंटर का वही फॉर्म होगा जो यहाँ पे साथ देखिए सी का सेकेंड फॉर्म है. तो यहाँ पे इंटर का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटर. और आगे टोटल रूम उतार दीजिए, इंटर द रूम आई सॉ. ये देखिए यहाँ पे पार्टिसिपल हो, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो. और चूंकि पार्टिसिपल जैसा क्या होता है, नॉमिनेटिव एब्स रूप होता है. बस अंतर इतना होता है कि नॉमिनेटिव एब्स रूप में दो सब्जेक्ट फ्री रहते हैं. तो यहाँ पे वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के अंतर्गत जाता है, जिसके लिए वैन का उपयोग करते हैं. या लिखेंगे वैन वैन और उसके बाद सब्जेक्ट लिखे वेन आई. टोटल पार्ट उतार लीजिए, यहाँ पे वर्ब का वही फॉर्म होगा जो यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में सा सेकेंड फॉर्म है. तो इंटर का सेकेंड फॉर्म इंटर, वेन आई इंटर द रूम आई सा अस्ने. या हम चाहे इसको पहले भी लिख सकते हैं, आई सा अस्ने वेन आई एंटर द रूम. लेकिन जब वेन हम बाद में लिखेंगे तो वहां पे हमें कामा का प्रयोग नहीं करना. अब वेन प्रयोग करेंगे कहा, जो पहली क्रिया होती उसी के साथ में लिखना. जैसे पहले वह प्रवेश किया तब सांप देखा, पहले सांप नहीं देखा, पहले प्रवेश किया, तो इसके साथ वेन होता. नेक्स्ट, द सन हैविंग सेट इट ग्रू डार्क. सूर्य डूबा और अंधेरा हो गया. यहाँ पे क्या है, द सन हैविंग सेट होने का कार्य कौन कर रहा है, सूर्य. इसका सब्जेक्ट ऑलरेडी ये है और ये अंधेरा हो गया, इसका अलग से सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट यहाँ यूज किया गया है. तो देखा जाए यहाँ क्या है, पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट अलग अलग होने के कारण यह नॉमिनेटिव एब्स रूट है. तो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो या नॉमिनेटिव एब्स रूट है, वह टाइम में कॉम्प्लेक्स में टाइम के अंतर्गत बनेगा और उसके लिए वैन का प्रयोग करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्या है, वैन वैन. और यहाँ ऑलरेडी सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता कहीं से और लाने की आवश्यकता नहीं है. ये हो जाएगा वेन द सन, हैवी घटा देंगे, सिंपल का यूज है. और सेट का वही फॉर्म होगा जो यहाँ पे ग्रीन है, ग्रीन यहाँ पे कौन सा फॉर्म सेकेंड है, तो यहाँ सेट का भी सेकेंड फॉर्म सेट है. और ये हो जाएगा इट ग्रू डार्क. इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, हम इसको पहले भी लिख सकते हैं, इट ग्रू डार्क वेन द सन क्या है, सेट. नेक्स्ट, ये हो जाएगा ही वाज टू टायर्ड टू स्टैंड. ये इन्फिनिटिव के अंतर्गत वह टू टायर्ड हो गया था टू स्टैंड की, स्टैंड नहीं हो सकता. तो जब यहाँ पे टी डब्ल्यू के साथ एडजेक्टिव और टू के बाद यहाँ पे वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है. टू के बाद एडजेक्टिव और टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यह होता है इन्फिनेटिव सिंपल. और यहाँ पे इन्फिनेटिव के लिए टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, इसके लिए हमें क्या करते हैं कि यह जो है इस प्रकार का सेटिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट के अंतर्गत जाता है. और रिजल्ट में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सो. यह हो जाएगा ही वाज टी डब्ल्यू की जगह पे सो टायर्ड. और टू की जगह पे लिखते हैं डैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां से लेंगे ही. सेंटेंस पास्ट में है तो यह हो जाएगा कुड नॉट, डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट. और आगे जो वर्ब है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेगा. और सेम प्रोसेस यहां पे देखिए, ये भी हो जाएगा सी इज टी डब्ल्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, सो. और लेजी क्या है, एडजेक्टिव. और टू के जगह पे जैसे यहां लिखा गया है डैट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां से लेंगे सी, डैट सी.
ये प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे कैन नॉट का यूज कर लेंगे, कैन नॉट। और यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क हार्ड, उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा। नेक्स्ट, ही वाज एब्सेंट ड्यू टू इलनेस। ही वाज एब्सेंट माने वो अनुपस्थित था, ड्यू टू इलनेस मीन्स बीमारी के कारण, वो बीमारी के कारण अनुपस्थित था। तो जहां पे कारण आ जाता है तो वहां पे एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में हम बिकॉज या सिंस या एज का यूज करते हैं। वह एब्सेंट था, क्यों एब्सेंट था, क्योंकि वह क्या था, बीमार था। तो यहां पे हम प्रयोग कर सकते हैं रीजन के थ्रू, यह लिखेंगे ही वाज एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट बिकॉज, बिकॉज के बाद पूरा सब्जेक्ट की जरूरत होगी, यहां से लेंगे ही पास्ट में है वाज, और इलनेस को यहां पे एडजेक्टिव बना देंगे इल, और ड्यू टू या सिंपल का यूज हटा देंगे, ही वाज एब्सेंट बिकॉज ही वाज इल। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे तो यहाँ पे रीजन पहले आएगा और वहां पर हो जाएगा सिंस, सिंस ही वाज इल कॉमा ही वाज एब्सेंट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, ओइंग टू पॉवर्टी ही कैन नॉट बाय एनी बुक्स। गरीबी के कारण वह कोई पुस्तक नहीं खरीद सकता, यहाँ पर भी क्या है, वह कोई पुस्तक नहीं खरीद सकता। वजह क्या है, गरीबी, गरीबी उसका परिणाम क्या है कि वो कोई पुस्तक नहीं खरीद सकता। जब भी यहाँ पे रीजन और रिजल्ट आ जाता है तो वह एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन के अंतर्गत जाता है, और वहां पे सिंस, सिंस एज या बिकॉज के थ्रू बनाते हैं। तो वही टू या सिंपल का यूज हटा दीजिए, और यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं सिंस, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे लाएंगे ही, ये कैन प्रेजेंट मॉडल है इसलिए वहां पे इज, और पॉवर्टी का एडजेक्टिव लिखेंगे क्या है, पुअर, सिंस ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। और सिंस जब लिख देंगे तो यहाँ पे कामा का अर्थ होता है अतः या इसलिए, यहाँ पे सो नहीं लिखा जाता। और आगे लिखेंगे यहाँ पे ही कांट बाई, ही कांट बाई एनी बुक्स, गरीबी, क्योंकि वह गरीब इसलिए वह कोई पुस्तक नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ हर इलनेस, अपने बीमारी के बावजूद सी वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती है। यह है एडवर्सिटी मोड होता है विरोधाभास, और यह प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग किया गया है सिंपल का, और जब यह कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है दो या आल्दो, दो या आल्दो इन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम इन स्पाइट ऑफ को हटाएंगे क्योंकि यह सिंपल का यूज है, अब कॉम्प्लेक्स का हम यूज देंगे दो, दो, और इसके साथ सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे सी। यहाँ पे वर्स क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ड है यहाँ पे सी इज, और यहाँ पे इलनेस का एडजेक्टिव बना देंगे इल, दो सी इज इल। जब दो यहाँ पे लिखे हैं तो हम यहाँ पे कामा या एट का प्रयोग कर सकते हैं, सी वर्स हार्ड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दो सी इज इल एट सी वर्क्स हार्ड। जब एट लिखेंगे तो सी नहीं लिखेंगे तो भी आपका सेंटेंस राइट है, दो सी इज इन एट वर्क्स हार्ड, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ, यहाँ भी है, यहाँ भी विरोधाभास है, इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज रिचेस, माने अपने धन के बावजूद ही इज नॉट कंटेंटेड, माने वह संतुष्ट नहीं है, उसके पास धन है, संतुष्ट होना चाहिए लेकिन धन होने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं है, अर्थात विरोधाभास है। और यहाँ पे हम प्रयोग कर लेते हैं क्या है, दो, और सब्जेक्ट लिख लेते हैं ही, दो ही, और प्रेजेंट में है इज, दो ही इज, और रिचेज का यहाँ पे जो है एडजेक्टिव बना लेंगे रिच, दो ही इज रिच, और यहाँ पे कामा का प्रयोग कर सकते हैं या एट का, ही इज नॉट क्या है, कॉन्टेंटेड। नेक्स्ट, स्पीक द ट्रुथ, सत्य बोलो, टू स्कीप द पनिशमेंट, माने पनिशमेंट से बचने के लिए, तो यह कंडीशन के अंतर्गत चला जाता है, अर्थात शर्त, जब इस प्रकार का इंपरेटिव मोड आ जाता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव दे देता है, तो यहाँ पे कंडीशन होता है, अर्थात यदि तुम सत्य बोलते हो तो पनिशमेंट से बच सकते हो, यहाँ पे हम इफ का प्रयोग करते हैं और इंपरेटिव इसलिए सब्जेक्टिव हो जाएगा, इफ यू स्पीक, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, यह हो गया इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इंपरेटिव है ये, और इफ कंडीशन, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, और वही सब्जेक्ट यहाँ लेंगे यू, और यहाँ प्रेजेंट होता है तो कैन या विल का प्रयोग कर लेंगे, चाहे तो सेल, तो कैन बेटर होगा, यू कैन स्केप, यू कैन स्केप द पनिशमेंट, यू कैन स्केप द पनिशमेंट। नेक्स्ट, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो टू गेट सक्सेस, माने सफलता पाने के लिए, अर्थात यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो सफलता पाओगे, तो ये कंडीशन है, यहाँ पे हम चाहे तो इफ का प्रयोग कर सकते हैं, और इंपरेटिव होने के कारण इफ यू, और ये हो जाएगा वर्क हार्ड।
इफ यू वर्क हार्ड, या तुम कठिन परिश्रम करते हो, यही सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे यू, और चाहे जिसको फ्यूचर में लिख सकते हैं यू विल, और आगे हो गया गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड, यार तुम कठिन परिश्रम करते हो तो यू विल गेट सक्सेस, तुम सफलता पाओगे। हम चाहते हैं अनलेस लिख लेंगे, लेकिन अनलेस लिखेंगे तो सेंस निगेटिव देंगे अगला सेंटेंस का। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट सक्सेस, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे सफलता नहीं पाओगे। सो इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यह एडवर्ब क्लास के थ्रू था। इसके पहले एडजेक्टिव एंड नाउन क्लास को अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो को वॉच करिए एंड लाइक करिए एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आर गेटिंग मोर अदर वीडियोज ऑफ ग्रामर। थैंक यू।